स्टार्ट हो सीएनजी गाड़ी के साथ। ये कहानी होता है कि जो एक बार सीएनजी का मजा लेने लगता है वो हमेशा सीएनजी ही ढूंढता है। हाँ। उसका खून जल जाता है पेट्रोल पर गाड़ी चलाने में। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, मजा आ रहा है चलाने में, काफी प्यारा लग रहा है। क्या व्यू आ रहा है देखो, जो इसका लटन मिले हैं, इनका डीएनए एनालिसिस हुआ है, जिससे कि एक सबसे बड़ा जो प्रमाण यही है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये बाहर का डीएनए है, तो ये हमारे इंडियन लोगों का डीएनए है, ये कोई कहीं बाहर से आने वाले नहीं थे। They were not intruders but sons of soil। सही, 5000 साल पुरानी है बिल्कुल सर। ये यहाँ से अभी हम लोगों को मिला है, इसको बता रहे हैं कि 5000 साल पुरानी है ये, बैंगल्स के टूटे हुए है। तो बल्लभ जी भी आ चुके हैं, मैंने इनको पिक कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे राजुल के यहाँ गुड़गांव के लिए। चला जाए चला जाए जल्दी चला जाए चला जाए एक बात आप लोग बदमाशी देखे है भैया, हम लोग गाड़ी का आज इसका रिव्यू भी करने वाले हैं आज। ये देखिए, डबल खोलो डबल खोलो डबल खोलो, लाओ इस ब्यूटी को मैं चलाऊंगा आज, और आपको आज इस गाड़ी की अच्छी खासी रिव्यू भी दी जाएगी। आज इस गाड़ी की फर्स्ट हाईवे ड्राइव होने वाली है, किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है गाड़ी ये मैं आपको अपडेट करूँगा। देखने में काफ़ी सुंदर है गाड़ी, और ड्राइव एक्सपीरियंस वो तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। कंफर्टेबल है गाड़ी नो डाउट, ये तो है पक्की बात, बट इसकी इंजन की क्षमता कितनी है वो पता चलेगा आपको हाईवे ड्राइव से ही पता चल पाएगा। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करें, आपको मैं राखी गाड़ी भी आपको दिखाऊंगा, हजारों साल पुराने वहाँ पर सभ्यता के बारे में पता चला है, शायद हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड है कुछ भी वो वहाँ पर, और बहुत सारे चीज़ एक्सकैवेशन में मिले थे। तो चलकर देखते हैं राखी गाड़ी का लगाया जाए, हम लोग राखी गाड़ी की तरफ चलने वाले हैं। भाई लगाओ जीपीएस में, गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पर आराम से चला रहा हूँ, और इधर ये लोग गपशप मारे जा रहे हैं। वहाँ से घोड़ा से पहुँच गया लगातार नॉन स्टॉप रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद भी साला खाना ही नहीं। बोलते हैं कि दिल्ली से लेके पूना तक वो किसका घोड़ा 17 घंटा में पहुँच, वही उसी का बाजीराव का रनिंग। अभी तक गाड़ी काफी स्मूथ है, अब बीच में एक जगह ऐसा पोजीशन आया था जहाँ पर काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता था, थोड़ा डर डर के ही निकाल रहे थे हम लोग, लेकिन कहीं टकराया नहीं, कोई फील नहीं हुआ, कोई फील नहीं हुआ, और स्मूथनेस काफ़ी लगा। ये है आपका सस्पेंशन, काफ़ी स्मूथ है, चल रही है, लेकिन जरा सा भी आवाज़ नहीं आ रही है, किसी भी तरीके का साउंड नहीं है कोई भी गाड़ी में। पीछे देखिए बैक सीट में राजुल जी मस्ती काट रहे हैं इधर, और बल्लभ जी गए हुए शकरकंदी लाने के लिए। अभी हमारा डिस्टेंस अभी दिखा रहा है 129 किलोमीटर्स, 2 hours 12 minutes और शो। जबरदस्त टेस्टी है, अच्छा मस्त लग रहा है ना। क्या रुपये का दिया है? 50 का आधा किलो में 2 प्लेट हुआ। ड्राइविंग पोजीशन गाड़ी की और कंफर्ट बहुत जबरदस्त है। 5 किलोमीटर आगे मात्र लिखा था, और हम लोग कहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक लेने के बाद पहले छुछुस यानी सीएनजी भरवाना है। अभी ऐसे बचा हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी कह रहा है कि सीएनजी भरवा लिया जाए। सीएनजी गाड़ी के साथ ये कहानी होता है कि जो एक बार सीएनजी का मजा लेने लगता है वो हमेशा सीएनजी ही ढूंढता है। हाँ। उसका खून जल जाता है पेट्रोल पर गाड़ी चलाने में। अभी जस्ट गाड़ी को रिसेंटली अभी चलाया था विशु ने, तो करीब करीब 29 किलोमीटर का एवरेज दिया है पर केजी पर, पेट्रोल बचा हुआ यार, पेट्रोल बचा हुआ। राजुल जी कह रहे हैं बदमाशी कर रहा है, तो दे ही नहीं सकता माइलेज। ये 9.5 किलोमीटर के बाद मेरे को मुर्गा खा रहा है। सुस्त तो नहीं है, क्या है लुब्रिकेट है? ये गाड़ी जिनको लेना कंफर्ट के लिए वो गाड़ी ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 के ऊपर या 90 या 100 के ऊपर जाओगे तो लगेगा कि ताकत थोड़ा सा कम है, ऐसा फील होता है, पर ठीक है, हमने 100 पर भी ट्राई करके देख लिया गाड़ी को। थोड़ा सा बॉडी रोल है, ज़्यादा स्पीड पर आप रहोगे और टर्निंग आएगी तो थोड़ा बॉडी रोल फील होगा। उसका पूरा मामा नाना वाला भी खाना, एक ब्रेक लिया गया और अब खाना खाया जाएगा। प्यारा लग रहा है, क्या व्यू आ रहा है देखो, अरे वो घर से लाया पेपर पर रखे हो राजी, पेपर में इसी पर रखे थे। चलो उस पर रख के खाओ आराम से, ए तुम निकालो भी। गाड़ी को यहाँ पर साइड में पार्क किया हम लोग, ये देखिए क्या व्यू है।
अब हम लोग यहाँ पर लंच करेंगे और उसके बाद ड्राइव करेंगे। करीब करीब मुझे लग रहा है 30 किलोमीटर और बचे हुए हैं। जो टमला पगला दीवाना परम मित्र कन्या विद्यालय, क्या सुंदर बना हुआ है। परम मित्र कन्या विद्यालय बोला था, प्रोटेक्टेड एरिया लगता है, लग रहा उसी में एरिया तो होगा ही, उधर से बंद कर दिया होगा, उधर खुदाई उदाई किया होगा, वो है नहीं रास्ता जरूर होगा। देखो इधर राखी घड़ी टीला संख्या 1, 11 टीले हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, कौन है, चलते आगे देखते हैं क्या और इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोगों को। आ जाओ, अभी हम लोगों ने बात किया, यहाँ पर थे लोग बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने बताया जो खुदाई उदाई होती है उससे जो भी सामान वामान निकलता है, एंशियंट जो भी चीज़ें निकलती है उसको ले जाते हैं दिल्ली, फिर उसको स्टडी वगैरह करते हैं। और फिर ये देखो एक सांप का, देखो सांप का, ये सांप का केंचुआ, ये अभी बताया कि जो गड्ढा उड्ढा खोदा था सब उसको ढक चुके हैं, लेकिन जब चल के देखते हैं फिर भी का बिल है यहाँ। और मैं श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र का संग्रहालय अध्यक्ष रहा हूँ, जिसे क्यूरेटर कहते हैं, और बेसिकली मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी नई दिल्ली से आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी किया। उसके बाद मैंने अपनी सेवाएँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दी, प्रीस्टी ब्रांच नागपुर में दी, और सन 1991 से कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण संग्रहालय कार्य देखे। तो आपको भी कुरुक्षेत्र जाएं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, कुरुक्षेत्र आइए आप। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। ये राखी घड़ी है और ये जो टाउनशिप है हड़प्पन टाउनशिप, अच्छा, ये लगभग मोहनजोदाड़ो, जैसे पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो जैसा, जैसे हरियाणा की जो लोग, हरियाणा में पॉपुलरली एक नोशन पता है क्या है कि मैंने राजनेताओं ने कि ये फैलाया है कि वी डोंट हैव एनी कल्चर बट एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है कि हरियाणा तो भारतीय संस्कृति का मूल है, उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है, और जिसका सबूत हमें यहाँ से मिलता है। इस राखी घड़ी में जहाँ आज हम खड़े हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा संस्कृति का एक महानगर होता था कभी। अच्छा, और इतने बड़े विस्तृत एरिया में जो ये जगह फैली हुई थी, ये जगह है। फिर आप आगे जाएंगे, पूरा कम से कम 5-6 किलोमीटर के मैंने उसमें परिमाप में ये जो लैंग्वेज स्टडी करने की कोशिश करी, ऐसे कुछ ना कुछ तो निकलता ही होगा कुछ। देखिए लैंग्वेज पे तो बहुत, मैंने जो स्क्रिप्ट पे, हड़प्पन स्क्रिप्ट पे बहुत सारा काम आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है, पढ़ नहीं पाए, लोग पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि कोई बाइलिंगुअल अगर स्क्रिप्ट अगर मिलता ना उसका जो पढ़ा जा, यहाँ से जो स्केलेटन मिले हैं, इनका डीएनए एनालिसिस हुआ है, जिससे कि एक सबसे बड़ा जो प्रमाण यही है कि वो जो डीएनए एनालिसिस हुआ है उसके आधार पे यही है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये बाहर का डीएनए है, तो ये हमारे इंडियन लोगों का डीएनए है, ये कोई कहीं बाहर से आने वाले नहीं थे, दे वर नॉट इंट्रूडर्स बट सन्स ऑफ सोयल। पहले बसते थे केस के ऊपर, हां सर, इसलिए कि प्लॉट उलट से थोड़ा था ना सर, ऐसा ही कुछ मान के चलो। नहीं नहीं, ये गांव यहाँ बसता था पहले, क्या उठा नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं बसता था, बाकी दूसरे साइड में कुछ प्लॉट जो थे लोगों ने घेराबंदी कर रखे थे। अच्छा, लेकिन जब ये अपना ग्रिल लगवाया ना, ये दिख रहा आपको घेराबंदी, तो इसके बाद उन्होंने वहाँ पे सरकारी जो महकमा है उसने पड़वा दी। सारी देखो दीवार ही निकली है। अच्छा, ये एंशिएंट दीवार है। आपको आपके गाइड हो क्या है सर? पहले करता था कभी कभार। अच्छा अच्छा, बचपन से ही, मतलब आप यहाँ के लोकल ही हो? लोकल हो यही के ना? बिल्कुल सर। क्या नाम हुआ आपका? मैला सिंह सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो ये सब जो है, हाँ जी सर, ये उसी टाइम का है? बिल्कुल सर, उसी टाइम का, इसमें कोई शक नहीं है, ये टूटा फूटा हुआ है। अगर ये पूरा का पूरा होता ना सर, तो आपको ये क्या है भाई, हड्डी है क्या? हाँ जी, जानवर पता नहीं क्या है, ये टाइम ही दूसरा है। वरना अगर बारिश होती ना सर, तो बारिश में जो ऊपर की मिट्टी ना नीचे खिसक जाती है, तब दिखता जो, है हाँ, नीचे की जो चीजें है ना, कुछ छोटी बाहर आ जाती, तो बाहर आ जाती, धुल जाती होगी ना, साफ हो जाता होगा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, साफ हो जाता होगा तो दिखता होगा, मतलब सामने आ जाती है, तो अगर बारीकी से देखते ना लोग, तो उनको मिल भी जाती है।
इस मिट्टी की यही खासियत है सर, जो भी चीज लगे अच्छा हड्डी, ये हड्डी है लेकिन ये हड्डी है जानवर की, हड्डी है क्या है, हड्डी बहुत सारा है यहाँ पर, ऐसा मतलब लगेगा जो भी हो तो ये यहाँ से अभी हम लोगों को मिला है। इसको बता रहे हैं कि 5000 साल पुरानी है ये, बैंगल्स के टूटे हुए हैं। राणा जी से भी हम लोगों ने बात की तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये कन्फर्म किया है इसको। और यहाँ छोटे छोटे हड्डियों के बहुत सारे टुकड़े भी दिख रहे हैं और ईंट भी दिख रही है। वो देखो सर कहाँ पे तो ईंट हाँ। है शायद वो सामने ही। अच्छा तो ये पुराने ईंट है, बिल्कुल पुराने है सर। कौन सा ईंट, क्या कुछ मिला? वो सामने ही थे, सामने ही यहाँ पे तो सर आज तक तो 15-20 साल हो गए, 15 साल हो गए मेरे को भी। मतलब कौन सी ईंट है? वो ईंट वो स्ट्रक्चर है ना ईंटों का, ऐसा कुछ बना है। ये साइज कितना बड़ा होगा? लगभग 1.5 फुट का होगा ये, सही मजबूती रखते हैं। फेंकते थे, खेलते थे क्या? खेलते हैं क्या? यहाँ भी देखिए इससे पता चल जाए कि हड़प्पन ये हड़प्पन साइट का माने करैक्टरिस्टिक फीचर है। क्या खोपड़ी खोपड़ी का हड्डी है ये? क्या पहले की है? बिल्कुल पहले की सर, ईंट लग रहा है, नया नया लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये कम से कम है ना, ये आधा टुकड़ा है इसका। ये पूरा टुकड़ा होता है ना वो इतना होता है सर, कम से कम 1.5 फुट मान के चलो। चूड़ी अपनी है? अरे यार ये तो यूनिक चीज है भाई, भी? ये तो गजब, बिल्कुल पुराना है, बिल्कुल पुराना है सर। देखा देखा, अब ये तो बैंगल्स है सर, चूड़ियाँ ये देखो, ये इतने आसानी से यहाँ पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ कोई पूछने वाला नहीं है। ये सर पूरा होता है ना जो ऐसा अपना चूड़ी नहीं होता है, मैं समझ गया ये यहाँ पड़ी हुई है। और बिल्कुल कोई उठा के इसको नहीं भी तो चार, ये 3000 साल पुरानी है, बिल्कुल है 3-4 5 6 सर वही है। ये 5000 साल ऐसा तो नहीं होगा कि गांव वाले बना बना के पहनेंगे। ट्रायंगल केक्स राउंड ये क्या मुर्गा गड्डी ये तो बात का है इधर तो बात का है भाई साइज हड्डियां तो दिख रही है काफी सारी हां क्या है इसका ये हड्डी है ना ये सब एक हां ये हड्डी है सर हां हां हड्डी है ये हड्डी है वो सामने एक और रखा है भाई साहब कहां ये हड्डियां हां देखो हड्डी देखो इसको एक ईंट निकालनी चाहिए वैसे ये रहने दे सबूत ईंट नहीं ये भी थोड़ा ठीक नहीं है ये बहुत सुंदर है ये क्या अच्छा मड बेस है मतलब जो हड़प्पन का जो एक्सप्रेशन है ना बहुत डेलिकेट हो जाता है मड है ये सन बेक्ड ब्रिक्स होती थी ठीक है ना क्योंकि हर एरिया में इतना ईंधन नहीं होता था कि ईंटों को पकाया जा सके। अच्छा ये देखिए यहाँ भी ये सब भी ये तो पॉटरीज है पॉटरीज है इनकी हाँ जी देखो पॉटरीज देखो केक्स देखो केक्स कितने केक्स का पूरा भरा हुआ है और वो तो पूरा अच्छा इसको केक्स बोलते हैं ये वाले गोल गोल ना गोल गोल है इस साइड में तो पूरा का पूरा है ना वो ऊपर वाला किनारा हां बिल्कुल में कहा गया है ना कि महाभारत कहता है कि ये जो सरस्वती और ये दृशद्वती दो नदियां थी सरस्वती तो नॉर्थ से बह रही थी और ये जिस नदी के किनारे पे ये शहर है राखीगढ़ी है ये नदी थी दृशद्वती तो महाभारत कहता है कि दक्षिणेन सरस्वत्याम उत्तरेण दृशद्वतीम ये वसंती कुरुक्षेत्रे ते वसंती कि सरस्वती के दक्षिण में और दृशद्वती के उत्तर में जो कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं वो स्वर्ग में निवास करते हैं तो ये ग्रेटर कुरुक्षेत्र का हिस्सा मानते हैं हम। मैं देख रहा हूँ कैसा व्हाइट लाइट है।